और वहीं राजस्थान में नीट एग्जाम में धांधली के आरोपों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर में नीट के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आरोपी जब खुद पेपर लीक में शामिल होने की बात मान चुके हैं तो अब कोई शक नहीं बचा है। लाखों युवाओं के सपनों का सौदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सारे के सारे विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आपका नीट का पेपर आउट हो गया। देश का शिक्षा मंत्री हर मिनट में बयान बदल रहा है और एक जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन उसमें नीट का पेपर आउट हुआ इसकी जांच नहीं की जाएगी। आगे कैसे ठीक किया जा सकता है इसकी जांच कराएगी। जो ये पाप कर रहे हैं, कल तक ये बच्चों की बात करते थे, घोटालों की बात करते थे, अब तक तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के घोटाले सामने आए, नेताओं के घोटाले सामने आए, अधिकारियों के घोटाले सामने आए, अब तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। आप चाहते क्या है? इसलिए आपको जाँच करानी पड़ेगी। और ये जो पाप बीजेपी कर रही, इसको कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक में नकल माफिया के शामिल लोगों की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। नीट परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ आज जम्मू में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। इस मौके पर पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष और एनएसयूआई ने सरकार का पुतला दहन किया। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आज जम्मू में कांग्रेस की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पे पुतला जो है वो यहाँ पर फूंका जा रहा है और तस्वीरों में देखिए कि कितना गुस्सा जो है वो यहाँ पर एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। बीजेपी उनका पेपर बेच कर कुछ लोगों को नौकरी दे रही है पैसों के दम पे, और जो पढ़ रहे हैं गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं 10-10 साल से उनके साथ बेगुनाह। सरकार कहती है कि अगर दोषी कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होनी ही चाहिए, जिस तरह कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था जो भी पेपर लीक करेगा कार्रवाई होगी, ये मैनिफेस्टो में एक लिखा हुआ था युवाओं के लिए और यही चीज का शक था, आकर सबसे पहले इन्होंने ये शुरू किया। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर सुन सकते हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। टीवी 9 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पटना पेपर लीक पर प्रधान से हमने सवाल पूछा था, हाई लेवल कमेटी एनटीए की जांच करेगी। उन्होंने कहा टीवी 9 ने पटना में पेपर लीक की जानकारी सामने रखी थी। टीवी 9 की ये जानकारी सामने रखने के बाद पटना पुलिस ने एक्शन लिया। टीवी 9 की तरफ से ही ये अहम जानकारी जब सामने रखी गई उस पर एक्शन हुआ था बिहार में। और अब इस पर जब धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गड़बड़ी हुई है कुछ स्थानों पर और रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की गड़बड़ियों से जो जेन्युइन लाखों बच्चे हैं उनको दिक्कत तो नहीं होगा? यही सबसे ज़्यादा चिंता है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। टीवी 9 भारतवर्ष में इस पटना का जो केस है उसको लगातार पिछले 5-6 दिनों से हम रोज खुलासे कर रहे हैं, नए चीज़ खुलासे कर रहे हैं। तो आपको आप तक वो चीज़ें कुछ पहुंची है पटना से, क्या व्यक्तिगत तौर पे आपको जानकारी हो? और जो गेस्ट हाउस कांड हुआ है, जो गेस्ट हाउस बुक किए गए हैं उसको लेकर कुछ जानकारी भी लिखे? पटना पुलिस और भारत सरकार की शिक्षा विभाग के अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी निरंतर संपर्क में हैं। दोनों मिलके इस समस्या की अंत तक पहुँच चुके हैं, एक निर्णायक स्थिति में हम पहुँचे हैं। कार्रवाई भी होगा उनके ऊपर, जो गुनेगार है किसी को छुड़ा नहीं जाएगा। और वहीं यूपी कांस्टेबल भर्ती मामले में भी अगर बात की जाए तो पेपर लीक होने के बाद यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में ईडीयू टेस्ट नाम की कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। खबर आप देखिए। लाखों छात्रों के हेड कांस्टेबल बनने का सपना टूटा था। जोरदार प्रदर्शन के बाद सरकार को यूपी में 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ा। मामले की जांच में एसआईटी जुटी थी, उसने खुलासा किया एड्यूटेस को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर स्टोर और फिर स्टोर से परीक्षा केंद्र तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। एड्यूटेस कंपनी के लोगों से पूछताछ तक नहीं हो पाई है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ये परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई। 4 महीने बाद इस मामले के सामने आने के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद आशंका जताई जा रही है कि मामले पर लीपापोती की जा रही है।
वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात, अब फिर से परीक्षा कब होगी, अब तक कुछ नहीं कहा गया। हालांकि सरकार की तरफ से 6 महीने में परीक्षा कराने का वादा किया गया था। बताया जा रहा है कि अगस्त 2024 तक यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा का दोबारा आयोजन कर सकती है। इस संबंध में दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।